ठीक है। तो अभी अपन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें अभी अपने को समझना है सब डिवीजन एंड कंसोलिडेशन। सब डिवीजन को प्यार से स्प्लिट अप ऑफ शेयर्स भी बोलते हैं। क्या होता है? स्प्लिट अप ऑफ शेयर। अब सब डिवीजन क्या होता है पहले वो समझ। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है, ठीक है, तो ये मेरी कंपनी की बैलेंस शीट, ये मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल है इधर 100 रुपए वाला, और बेटा मेरा ये 1 लाख का कैपिटल है। 1 लाख का कैपिटल 100 रुपए वाले, कितने शेयर होंगे बताओ? 1000 शेयर्स है टोटल। अब ये जो 1000 शेयर्स है, इनमें से कुछ शेयर्स तुम्हारे पास में है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते तुम्हारे पास में 1 शेयर है, कितना शेयर है तुम्हारे पास में? सपोज उस शेयर्स का वैल्यू होगा बेटा 100 रुपए। कितना वैल्यू होगा? यस 100। ठीक है, तो टोटल मिला के हमारे पास में बताओ कितने से तुम्हारे पास में 1 है, और उसका वैल्यू 100 रुपए 100 रुपीज है। अब मान लो कल उठ के तुमको 20 रुपए चाहिए, कितने रुपए चाहिए? और तुम्हारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? इस शेयर्स को बेचना पड़ेगा। अब तुम्हारा मन नहीं है, तुमको लगता है कंपनी तो बहुत बढ़िया है, क्या लगता है तुमको कंपनी तो बहुत, पर यार क्या करो 20 रुपए चाहिए तो सही, तो अब तुम्हारा कोई ऑप्शन नहीं है, क्या करना पड़ेगा? शेयर्स बेचना पड़ेगा। तो ये जो शेयर है 100 रुपए का, इतना बड़ा शेयर है 100 रुपए वाला, तो तुमको बड़ा दुख हुआ। तुम कंपनी के शेयर होल्डर हो, ऐसे ऐसे बहुत सारे तुम्हारे ऐसे लोग थे जो सब दुखी होते थे, इतना बड़ा शेयर 100 रुपए का वैल्यू, 100 रुपए का वैल्यू। तुम सबने मिलकर डिसाइड किया क्यों ना हम इस शेयर का वैल्यू को तोड़ दे। तो ये जो बड़ा शेयर है, जो कि 1 शेयर से 100 रुपए वाला, तुमने क्या डिसाइड किया कि हम इस शेयर के 10 टुकड़े कर लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये 10। तो तुमने 1 शेयर के कितने टुकड़े कर लिए? 10। बट बेटा क्योंकि अब 1 शेयर के 10 टुकड़े हुए हैं, तो तुम्हारा जो शेयर का वैल्यू था 100 रुपए, उसको भी तोड़ना पड़ेगा, तब उसका वैल्यू भी हो जाएगा 10 रुपया। तो पहले तुम्हारे पास में 1 शेयर था जिसका वैल्यू 100 रुपए था, बट अब तुम्हारे पास में 10 शेयर थे बट उनका वैल्यू 10 रुपए हो गया। ओवरऑल वैल्यू रिमेन, ओवरऑल वैल्यू रिमेन से। तो पहले तुम्हारे पास में 1 शेयर था 100 रुपए वाला, तो 100 रुपए का अमाउंट था तुम्हारे पास में, आज भी तुम्हारे पास में 100 रुपए का ही अमाउंट है, बट अब तुम्हारे पास में 1 के बदले कितने शेयर हो गए? 10, बट उसका वैल्यू 10 रुपए हो गया। तो जिस रेशियो में तुम्हारे शेयर बढ़े, उसी रेशियो में तुम्हारा शेयर का प्राइस भी क्या हो गया? अंडरस्टूड? अब इसी को बोलते प्यार से सब डिविजन या स्प्लिट अप ऑफ शेयर। अब मुझे बताओ क्या इसमें कोई फायदा या कोई नुकसान हुआ? नहीं। नंबर ऑफ शेयर जिस रेशियो में बढ़े, उसी रेशियो में तुम्हारा प्राइस जो है वो कम। अब मान लो ऐसा हो गया, अब इनके पास में 1 शेयर नहीं है, अब इनके पास कितने शेयर होंगे? 10। अब कल होगी इनको 20 रुपए ही चाहिए, तो सारे शेयर बेचने का काम ही नहीं है, कितने बेचने? 2 शेयर 10-10 रुपए वाले 20 रुपए बेच दिए, फिर भी इनके पास में कितने पड़े रहेंगे? 8 शेयर। इसी को हम प्यार से क्या बोलेंगे? सब डिवीजन। अब इसकी एंट्री क्या होगी? कंपनी क्या करेगी? तुम यू आर नॉट अ इन्वेस्टर, यू आर अ कंपनी, ठीक है, आप क्या एंट्री पास होंगे? आपका जो इक्विटी शेयर कैपिटल पुराना वाला है वो हट जाएगा, क्योंकि उस पर फेस वैल्यू लिखा होता है, तो उसको डेबिट कर लेंगे, जिसके ऊपर 100 रुपए का फेस वैल्यू होगा, बट उसके बदले तुम 2 इक्विटी शेयर कैपिटल लिखोगे, जो कि कितना वाला होगा? 10 रुपए वाला। तो अमाउंट रिमेन सेम, 1 लाख का 1 लाख। बट अगर मैं शेयर की बात करूं, तो पहले यू हैव 1000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100, बट नाउ यू हैव 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10। 1 के 10, 1000 के 10,000, बट शेयर का वैल्यू 100 का 10, ओवरऑल वैल्यू रिमेन सेम। इस तरह से ये चीज होने पर बोलो क्या ये तुमको समझ में आया? दिस इज कॉल्ड स्प्लिट अप ऑफ शेयर्स। क्या बोलते हैं इसको? एनीवन, किसी को भी डाउट है तो समझ में आया ये वाला। हम इसका उल्टा कंसोलिडेशन। स्प्लिट अप में क्या हुआ समझो, मेरे पास एक चॉलिट थी बड़ी,
बड़ी चॉकलेट, समझ में आया कि नहीं आया, 100 रुपए वाली बड़ी चॉकलेट, मुझे तुम सबको दिन बांटनी है तो मजा नहीं आएगा। अरे वरना तो एक काम करते हैं, हम इस चॉकलेट के 10 रुपए कर लेते हैं, 10 रुपए कर लेते हैं 10, तो पहले एक चॉकलेट थी तो कितनी होगी 10, बट उसी रेशियो में उसका जो साइज है वो भी तो कम हो गया, बट ओवरऑल क्या उसका वैल्यू चेंज हुआ? नहीं, पहले भी वो 100 रुपए की थी, अभी भी कितने की है? 100 रुपए की, वैसे यहाँ पे भी हुआ। अब इसका उल्टा कंसोलिडेशन, कि मान लेते हैं 10-10 रुपए के शेयर से, कितने शेयर से? 10-10 रुपए के शेयर से, पर लोग ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, बार बार जब भी देखो खरीदते बेचते खरीदते बेचते, तो मजा नहीं आ रहा है, फिर बार बार अपना प्राइस भी मार्केट में ऊपर नीचे होता है, कहाँ आ गए हम लोग। हमने बोला ये सस्ता है ना, इसके लिए बहुत खरीद रहे हैं, अगर इसका वैल्यू 100 रुपए होता 10 रुपए के बदले, तो जिनके पास 30-40-50 रुपए वो तो खरीद ही नहीं पाते, ये ज्यादा ट्रेड होते नहीं। अभी हमने उल्टा डिसाइड किया, हमने क्या बोला कि 10-10 रुपए वाले शेयर्स को मिला के एक शेयर बनाएंगे 100 रुपए वाला, इसको उल्टा करते हैं स्प्लिटअप को, उसे प्यार से बोलते कंसोलिडेशन, क्या बोलते उसको। तो अब जो 10-10 शेयर घूम रहे थे, इन सबको मिला के अपन एक शेयर बना देंगे, और ये एक शेयर बन गया 100 रुपए, जहां पे पहले 10 शेयर था उसके बाद में एक शेयर होगा, और जो पहली पहले 10 रुपए था कितना हो जाएगा 100 रुपए। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत लोग बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं उल्टा कर लो, क्या कर लो, क्या बोलेंगे प्यार से, कंसोलिडेशन। जैसे तुम सबके पास में छोटी छोटी 10-10 रुपए वाली चॉकलेट है, और तुम सबने मुझको दे दी, 10 चॉकलेट क्या करेगा, मतलब ऐसा मजा नहीं आएगा, ये तो बड़ी खाने का शौक है। तो मैंने क्या किया, उन 10 चॉकलेट को निकाल के मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके फ्रिज में रख दिया, फिर बाहर निकाल दिया, एक चॉकलेट बन गई, समझ में आया कि नहीं आया, क्या बोलेंगे इसको प्यार से, कंसोलिडेशन। तो चॉकलेट जो पहले 10 थी अब कितनी हो गई 1, बट वेट, पहले उसका एक का वैल्यू 10 रुपए था, अब इसका कितना हो जाएगा 100 रुपए, ओवरऑल वैल्यू रिमेन सेम, मतलब कंसोलिडेशन, क्या बोलते हैं इसको, कंसोलिडेशन। इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री थी कुछ उल्टी, पुराना इक्विटी शेयर कैपिटल हट जाएगा 10 रुपए वाला, और नया इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा 100 रुपए वाला, समझ में आया तुमको। आगे बढ़ते हैं अपन, तो अभी आपका इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं अपन, पहले 9 वाला करते हैं। ऑन 31 दिसंबर 2011 लिमिटेड हैड 20,000 rupees 10 इक्विटी शेयर एज द ऑथराइज कैपिटल एंड द शेयर्स वर ऑल इश्यूड ऑन विच 8 rupees वाज पेड अप। आपके कितने ऑथराइज कैपिटल है, 20,000 शेयर थे 10 रुपए वाले, बट उसका पेड अप वैल्यू 8 rupees। इन June 2012 द कंपनी इन जनरल मीटिंग डिसाइडेड टू सब डिवाइड ईच शेयर्स इनटू 2 shares, बेटा तो एक के 2 shares हो जाएंगे, बट जो पहले वैल्यू था तुम्हारा 10 रुपए फेस वैल्यू, अब वो उल्टा कितना हो जाएगा 5 रुपए, और जो पेड वैल्यू 8 रुपए था वो कितना हो जाएगा 4 रुपए। इसलिए इसने बोला कि अब तुम्हारा वैल्यू 5 रुपए और 4 रुपए हो जाएगा। अब इसकी एंट्री क्या होगी वो समझ लो, पहले पुराना इक्विटी शेयर कैपिटल हट जाएगा, पुराना इक्विटी शेयर कैपिटल हटा, नया इक्विटी पहले वैल्यू कितना था बेटा 10 रुपए फेस वैल्यू, अब कितना हो जाएगा 5 रुपए, बट जो अमाउंट है कभी भी फेस वैल्यू नहीं था, वो हमेशा पेड अप वैल्यू होता है। तो पहले आपके पास में 20,000 शेयर्स था, कितने शेयर्स थे
बट उसका एक का वैल्यू 8 रुपये था पेड अप वैल्यू, तो टोटल मिला के तुम्हारा जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा 1,60,000। बट अब क्या हुआ वो समझना, अब 20,000 के एक के बदले दो हो गए, एक के दो इसके 40, 40,600, पर तुम्हारा वैल्यू 8 का कितना हो गया 4, तो भी अमाउंट टोटल अमाउंट रिमेन सेम 1,60,000 हो गया सब डिफिकल्ट। क्या ये बोलो किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो, ट्रेडिशनल लिख सकते हो बीइंग शेयर सब डिवाइडेड 1 सब डिवाइडेड इनटू, बोलो क्या ये आपको समझ में आया। चलो अभी क्या हुआ आगे सुनना, इन जून 2013 कंपनी इन जनरल मीटिंग रिजॉल्व टू कंसोलिडेट 20 शेयर्स ऑफ रुपीज 5 बेस वैल्यू 4 रुपीज पेड अप इनटू 1 शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच 80 रुपीज पेड अप। अब अगले साल दिमाग घूम गया उनका, लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रेड किया तो इनको लगा यार ये तो बहुत सस्ता हो गया, चलो एक काम करते हैं 20 शेयर को मिला के एक शेयर बनाते हैं, मतलब 20 शेयर्स पकड़े और उनको मिला के एक शेयर बनाते, समझ में आया। अब क्या होगा वो समझो, अभी अगले साल में जून 2013 पहले पुराना कैपिटल हट जाएगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल कैपिटल, अच्छा पुराना वाले का फेस वैल्यू कितना था 5,60,000, ठीक है मैं लिख भी देता हूँ तुम्हारे लिए सेम वाला 40,000 शेयर्स थे इनके पास में 4 रुपये पेड अप वाले। अभी उसके बदले इन्होंने वापस नया इक्विटी शेयर इशू किया, पर इस बार क्या हुआ 20 शेयर्स का मिला के एक शेयर बना था जिसका फेस वैल्यू 100 रुपये हो, तो बेटा 20 का एक हुआ 20 टाइम्स कम हुए, तो 40 जगह 20 टाइम्स कम करो कितना होता है, तो 40 डिवाइड बाई 20 कर लो 2000 हो गए। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो ओल्ड और ये, तो ओल्ड अगर तुम्हारे पास 20 हो तो न्यू का एक मिले, अगर ओल्ड तुम्हारे पास में 40,000 है न्यू का कितना क्रॉस मल्टीप्लाई गेट द फाइनल आंसर 2000 शेयर हमारे, बट अब इस 2000 का वैल्यू 20 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो जो पहले 4 रुपये था उसका 20 टाइम्स बढ़ाते हो कितना होता है 80 रुपीज, अब इसका वैल्यू 80 रुपीज हो गया, ओवरऑल वैल्यू रिमेन सेम 1,60,000 का 1,60,000। यस बोलो क्या ये आपको समझ में आया, तो ओवरऑल तुम्हारी बैलेंस शीट में कैपिटल में कोई चेंज होगा ही नहीं, बट नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे कम हो जाएंगे। तो पहले मान लेते हैं कंपनी के पास टोटल शेयर थे 20,000, उसके बाद में वो हो गए डबल 40,000, बट फिर 40 के वापस हो गए 2000, समझ में आया मैं क्या बोला। सबसे पहले तुम्हारे पास में मान लो एक शेयर था, एक के हो गए दो जून 2012 में, एक के हो गए दो, और अगले साल जून 2013 में, ठीक है ऐसे 20 शेयर्स के, ऐसे दो है तो अगर 20 शेयर्स तुम्हारे पास में है तो 20 का मिला के एक कर ली ऐसे कंपनी, तो पहले तुम्हारे पास में टोटल थे 20,000 शेयर्स कंपनी के, वो डबल हो गए 40,000, बट वैल्यू रेशियो में आधा हो गया, फिर 40,000 का कंसोलिडेट करके इन लोगों ने किया 2000 शेयर्स में 20 टाइम्स कम कर लिया, तो वैल्यू है वो भी 20 टाइम्स बढ़ गया। क्या ये आपको समझ में आया किस तरह से एकदम, बोलो किसको भी इसमें कुछ भी डाउट है तो आप बोल सकते हो, तो समझा कॉपी कर लो।
सब डिवीजन भी था, पहले सब डिवीजन हुआ फिर कंसोलिडेशन। चलो डन। तो ये था तुम्हारा कंसोलिडेशन स्प्लिट ऑफ शेयर। फिर अब इसने पूछा बैलेंस शीट का पूछा है, वो तो बड़ा सिंपल है। जब आप दिखाओगे पहला वाला, आपके नंबर ऑफ शेयर्स उतने बढ़ जाएंगे और उतने कम हो जाएंगे, तो आपके जो इक्विटी शेयर्स है उसमें चेंज हो जाएगा। जब आपके पहले इक्विटी शेयर थे, कितने शेयर्स थे स्टार्टिंग में? 20,000, अब कितने हो जाएंगे? 40,000। ऑथराइज भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपके ऑथराइज भी 20 ही थे। तो आप अगर आप इश्यू में इतने कर रहे हो तो आपके ऑथराइज भी आपको उतना बढ़ाना पड़ेगा। ऑथराइज में अभी 40,000 शेयर था, फिर 40 से कितने कर लिए? 2,000। क्या ये तुमको समझ में आया?
इसी तरह से बैलेंस शीट में भी अपन जब नंबर ऑफ शेयर्स लिखेंगे नोट में, नंबर ऑफ शेयर्स है तो ऐसे लिखेंगे फर्स्ट वाले में, सबसे पहले हुआ 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ फेस रुपीज, फेस वैल्यू 10 ईच, पेड अप वैल्यू 8 रुपीज, टोटल हो गया तुम्हारा 1,60,000। जब दूसरे स्थान में बनाएंगे अपन, जब आपका स्प्लिट वो स्प्लिट होने के बाद में, तो अपन लेंगे ये 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 5 फेस वैल्यू ईच एंड पेड अप वैल्यू 4 रुपीज, टोटल हो गया 1,60,000। फिर जब कंसोलिडेशन होने के बाद लिखेंगे तो अपन लिखेंगे 2,000 इक्विटी शेयर फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 100, पेड अप वैल्यू 80 रुपीज, अमाउंट रिमेन सेम, सिर्फ अपने को वो नोट्स में अलग अलग दिखाना। क्या ही समझ में आया आपको? मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे वही है, देख लेते हैं। एंट्री तो अपनी होगी बराबर है, तो एंट्री बंद कर ली। अभी देखो बैलेंस शीट बन रही, कैसे बन रही है, तो बैलेंस शीट देखिए नोट्स में दिखाना है बस, ठीक है, नोट्स जिसने बनाए। तो पहला साल फर्स्ट 20,000 शेयर 10 रुपये वाले बराबर है, तो आ गया 2,00,000 रुपये। फिर 20,000 फिर में लिखा 20,000, 10 रुपये का फेस वैल्यू, 8 रुपये का पेडअप, कितना हो गया 1,60,000। फिर अगले साल देखो अब कितना हो गया बेटा शेयर कैपिटल, कितना हो गया ऑथराइज 40,000, कितना फेस वैल्यू 5 रुपये, 2,00,000 तो ऑथराइज हो गया। और उधर 40,000 शेयर फेस वैल्यू 5 रुपये बट पेडअप कितना है 4,00,000। तीसरे साल में जब कंसोलिडेशन किया तो अब कितने शेयर होंगे 2,000, कितने वाले 100 रुपये वाले, तो ये 2,00,000 का वो हो गया ऑथराइज। और 2,000 शेयर 100 रुपये वाले बट पेडअप वैल्यू कितना है 80, तो ये पेडअप कैपिटल, ऊपर ऑथराइज है नीचे या पेडअप आप जो भी आप देख लो, इस तरह से अपने वो करना है। और किसी ने पूरा बैलेंस शीट पूछा नहीं है, बैलेंस शीट क्या बनाओगे, कुर्सी बनाओगे, तो जितने शेयर थे वो आपको लिखने, इतने शेयर इसमें बोलो, समझ में आया तुमको, तो ये तो ठीक है। अब दूसरा करना है, दूसरा स्तंभ में क्या है क्वेश्चन नंबर जो अपना अगला है नेक्स्ट 10 वाला, इसमें क्या है कि जो इक्विटी शेयर्स होते हैं तो उनको कन्वर्ट करते हैं इक्विटी स्टॉक में, किसमें करते हैं इक्विटी हाँ इनटू स्टॉक। अब ये स्टॉक क्या होता है, जैसे शेयर्स होते हैं वैसे स्टॉक भी होता है, इतना शेयर ही है बट उसमें जो राइट्स होते हैं वो थोड़े अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। और ये यूएस में ज़्यादा टर्म्स चलती है इक्विटी स्टॉक के रूप में, अपने को कुछ नहीं करना, अपने को सिर्फ नाम चेंज करना है। अगर इक्विटी शेयर को अगर इक्विटी स्टॉक बोलना है तो पहले जो शेयर है उसका नाम हटा दो, तो इक्विटी शेयर का नाम क्रेडिट होगा, हटाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू उसके बदले क्या नाम लिखना है इक्विटी स्टॉक, तो टू इक्विटी नहीं करना है। तो अब देखो क्या बोलता है, सी लिमिटेड हैड 5,00,000 ऑथराइज कैपिटल, ठीक है, ऑन 31st December 2011 डिवाइडेड इंटू 100 रुपीज के शेयर्स, तो बताओ कितने शेयर्स होंगे टोटल 5,000, कितने शेयर्स होंगे इसमें से 4,000 इसने इशूड किए बेटा, वो तो एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है इशूड की। इन जून 2012 कंपनी डिसाइडेड टू कन्वर्ट द इशूड शेयर्स इनटू स्टॉक, तो अभी इसकी एंट्री अपने को पास करनी है। तो मुझे बताओ जून 2012 में अपन क्या एंट्री पास करेंगे, जून 2012 में इक्विटी शेयर कैपिटल हटा देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी वर्ड यूज करना है स्टॉक। अब हमको पता कि यहाँ पे हमेशा पेड अप वैल्यू आता है, वो ध्यान रखना, तो आपका जो पेड अप वैल्यू है वो जरूरी नहीं है 5,000 पूरे इशू किया, आपने सिर्फ 4,000 इशू किए, 4,000 इशू इंटू 100 रुपये का वैल्यू था तो आपके पास में, हाँ पहले 4,000 शेयर थे 100 रुपये का वैल्यू था, कितने था 4,00,000, 4,00,000 से ही समझ में आया। इक्विटी स्टॉक का कोई वैल्यू नहीं देखा, कितना है 5-10 कुछ नहीं रखा है, तो लिखना ही नहीं, यही समझ में आया। चलो इन वापस जून 2013, अब क्या मन हो गया इसको, तो लगा मैंने गलती कर दी, बट इन जून 2013 थर्टीन कंपनी रिकन्वर्टेड द स्टॉक इनटू शेयर, अब उसने वापस रिकन्वर्ट किया शेयर्स में 10 रुपये वाले में, तो वही नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए होंगे उसके पास में। अब देखो अब कितना हो गया, अब वापस हटाओ इक्विटी स्टॉक हट जाएगा बेटा, इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल,
अमाउंट तो रिमेन सेम 4 लाख का, बट अभी एक शेयर का वैल्यू कितना है 10 रुपए, कितने शेयर होंगे 40,000, 40,000 बस इतना ही था। बोलो समझ में आया ये वाला? तो पहले इक्विटी स्टॉक में गया, फिर इक्विटी स्टॉक वापस कैपिटल में गया। कॉपी कर लो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10 ना। बोलो यहां तक किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप बोल सकते हैं, तो समझ में आया ये वाला पक्का। आगे बढ़ते हैं, अब अपने को करने का है लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 है तुम्हारा शेयर सरेंडर का है। शेयर सरेंडर क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, बड़ा डेंजर वाला मामला है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत लोग कंफ्यूज करता है और मिस्टेक भी करते हैं, इसलिए ये ऐसे ही काफी टाइम पूछता भी है। अभी तक देखो, अभी तक हमने यह दिखा कि मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल है मेरा और वो लोग अपना शेयर का पैसा कम कर लेते हैं कि भाई नहीं चाहिए हमको, चलो 10 में से 5 रुपए लेंगे, तो हम क्या करते हैं उस 5 रुपए और फायदे को तुरंत कहाँ पे डालते हैं, कैपिटल रिडक्शन में। तो वो फायदे को तुरंत बुक कर लेते हैं कि वो फायदा किसी पर्टिकुलर काम में यूज होगा, तब लॉसेस राइट ऑफ करने में होगा। बट अभी क्या है ये समझना, शेयर सरेंडर क्या होता है कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो अपने शेयर सरेंडर करते हैं। क्या करते हैं सरेंडर, मतलब वो कम पैसा लेंगे, बोले कि भाई मैं 10 लाख मांग रहा हूँ, चल 10 में से 5 नहीं लूंगा, 5 लाख का पेमेंट करना। उन लोगों ने अपने 5 लाख के शेयर सरेंडर कर लिए। हम क्या करते हैं वो जो सरेंडर किए हुए हैं शेयर उसका यूटिलाइज किसी पर्टिकुलर पर्पज में करते हैं। अब तक ऐसा नहीं हुआ कि जो आपने फायदा हुआ किसी पर्टिकुलर पर्पज में किया, आपने क्या किया उसको कहां में डाल दिया, कैपिटलाइजेशन में डाल दिया और लास्ट में लॉसेस राइट ऑफ हो गए। बट यहां पे क्या बोलेगा कि जो शेयर सरेंडर किए हैं उन शेयर से
आप किसी को पेमेंट करोगे, जैसे डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर लिया या आपने ट्रेडर को पेमेंट कर लिया, इस तरह से आप करो। इस केस में आईसीआई ही बोलती है कि हमको एक चीज यूज करने, उसका नाम है शेयर सरेंडर, नाम है उसका। तो हम यहाँ पे एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, जब भी वो इक्विटी शेयर होल्डर बोलेंगे कि हमको क्या करना है, शेयर सरेंडर करना है, तो जितने वो शेयर सरेंडर करते हैं वो हम एक टेम्परेरी अकाउंट में डालेंगे, उसका नाम होगा शेयर सरेंडर अकाउंट, क्या नाम होगा उसका। और फिर हम उसको देखेंगे, क्वेश्चन बोलेगा कि इस शेयर सरेंडर को आप इधर यूज करना, फॉर एग्जाम्पल मान लो क्रेडिटर को पेमेंट में करना है, तो हम उस शेयर सरेंडर में से कुछ शेयर किसको दे देंगे, क्रेडिटर्स को। शेयर सरेंडर में से कुछ शेयर क्रेडिटर को देंगे और लास्ट में क्रेडिटर को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट कैपिटल में नहीं डालेंगे, पहले शेयर सरेंडर अकाउंट ओपन करेंगे, फिर उसमें से अपन शेयर कन्वर्ट करके किसको देंगे, क्रेडिटर को देंगे, फिर कुछ बैलेंस बच गया तो उसको कैपिटल में डालेंगे। आप ऐसे डायरेक्ट भी हो सकता था इसका, बट आईसीए फिर मार्क्स नहीं देती आपको, तो हम इसमें डायरेक्ट करेंगे, जो आईसीए का वे वैसा ही करना है, छेड़छाड़ तो करनी नहीं है, वरना तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो फाइनल आंसर मैं लेकर आ सकता हूँ लास्ट वाला सेम, बट वो फिर मार्क्स कटने के चांसेस, जो आईसीए का वे है वही फॉलो करना है। अब इसमें क्या है पहले वो देख लेते हैं, कि आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है, द बैलेंस शीट ऑफ रिवाइज लिमिटेड एज ए 31 मार्च 2011 वॉज एज फॉलो, पर्टिकुलर नोट नंबर रुपीज, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, हमने पहले भी देखा है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। अब इस शेयर कैपिटल में क्या है वो उसके नोट में देखना पड़ेगा, नोट नंबर 1 में। तो नोट नंबर 1 में 10,000 इक्विटी शेयर है, 100 रुपये वाले 10 लाख। फिर इसमें रिजर्व एंड सरप्लस है, इसमें क्या है, इसमें डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट है। उसके बाद में दे हैव नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्या है इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 12% डिबेंचर्स है। फिर इसके पास ना करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल है, वो तो नोट सही नहीं, तो मतलब क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर है। अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या है, तो अदर करंट लाइबिलिटीज में यू हैव इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर, इसे प्यार से बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, क्या बोलते हैं इसको प्यार से, ऑन डिबेंचर्स, ठीक है, डिबेंचर का आउटस्टैंडिंग। उसके बाद में यू हैव शॉर्ट टर्म प्रोविजन, क्या है तुम्हारे पास में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है 24। अभी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या है, तो यू हैव प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या है तुम्हारे पास में, प्रोविजन फॉर, कितना हो गया टोटल हो गया। नाउ असेट में, नॉन करंट असेट में यू हैव पीपीई, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। अब इसमें क्या है, इसमें अपने पास में मशीनरी है, क्या है अपने पास में, फिर वी हैव इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, टोटल इस तरह का बैलेंस शीट है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोलता है वो समझो, इट वॉज डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द कंपनी फॉर विच नेसेसरी रिजोल्यूशन वॉज पास एंड सेक्शन वर ऑब्टेन फ्रॉम द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज, अकॉर्डिंगली इट वॉज डिसाइडेड दैट ईच शेयर इज सब डिवाइडेड इन टू 10 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ₹10, कि हर शेयर को सब डिवाइड किया जाएगा 10 शेयर में, तो का फेस वैल्यू कितना होगा, ₹10। तो अभी दो मिनट पहले सीखा अपन ने कि यहाँ पे पहले शेयर था ₹100 वाला, अब उसको कन्वर्ट कर लिया ₹10 वाले में, तो एक शेयर के 10 भी हो गए, अब तुम्हारे पास कितने शेयर होंगे, 1 लाख। अब देखिए इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री का फॉर्मेट वगैरह तुमको पता है, इन क्या नाम था, फर्स्ट एंट्री। पहले अपन फर्स्ट एंट्री कौन सी कर रहे हैं पता है, सब डिविजन, सब डिविजन बराबर है, उसमें क्या होगा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो पहले जो शेयर था उसका वैल्यू था ₹100, अब कितना हो गया, तो पहले उनके पास में शेयर थे 10,000, 10 लाख वैल्यू हो गया, बट अभी इनके पास में कितने शेयर होंगे, 1,10,000 रुपये, क्या ये तुमको समझ, इस तरह से अपन ने पहले एंट्री सब डिविजन। भाई क्या बोलता है, पहला पॉइंट हो गया अपना फर्स्ट, आफ्टर सब डिविजन ईच शेयर होल्डर कैन सरेंडर टू द कंपनी 50% ऑफ हिज होल्डिंग। लो भैया हर शेयर होल्डर आधे शेयर सरेंडर कर लेगा, तो 10 लाख का आधा कितना होता है, 5 लाख, 5 लाख लोगों ने बोला, बोला ठीक है
5 लाख हम सरेंडर कर लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ री इश्यू टू द डिबेंचर होल्डर एंड ट्रेड पेबल एज नेसेसरी फॉर द पर्पस। बताओ यहाँ पे जो शेयर सरेंडर हो रहा है क्या उसका पर्पस दे रखा है कि नहीं दे रखा है? दे रखा है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। फायदा हुआ उसका पर्पस दे रखा है, इसमें पर्टिकुलर दे रखा है। क्या यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर सकता कि शेयर सरेंडर में डालना पड़ेगा? शेयर सरेंडर। ठीक है, तो पहले तो अपन क्या करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू कम कर लेते हैं। दूसरा एंट्री देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 50% बेटा, 10 लाख का 50% कितना होता है? 5 लाख। अभी के लिए क्या करता हूँ मैं इसको कैपिटल में नहीं डालता हूँ, इसको मैं टेम्परेरी अकाउंट में डालता हूँ। क्या नाम है इसका? शेयर सरेंडर। क्या नाम है इसका? ये 5 लाख मैंने शेयर सरेंडर डाल दिया, 5 लाख शेयर। क्या तुमको समझ में आया? क्या क्या इक्विटी कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख टू शेयर नए अकाउंट में डाल दिया 5 लाख। और वहां पे उसकी बंदी का लिख दिया है शेयर। तो बैलेंस शीट टैली है, हमने 10 लाख अपने का क्या, मैं छोटी सी बैलेंस शीट बनाओ। देखो आपको समझाने के लिए बैलेंस शीट बनाओ, पहले सबसे पहले यहाँ पे तुम्हारा इक्विटी शेयर कैपिटल था 10 लाख का, बराबर है। फिर डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल, मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेबिट में पी एंड एल था 6 लाख का, और तुम्हारे पास में क्या था इसके बैलेंस में, क्या देखो मैं सिंपल कर रहा हूँ, इसमें था आपका डिबेंचर 12% डिबेंचर्स, तो 12% डिबेंचर भी लिख दिया। कितना था 12% डिबेंचर्स? 2 लाख था। और क्या था इसकी बैलेंस में चेक करो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 24,000। और क्या है इसके अंदर? प्रोविजन फॉर टैक्स 24,000। फिर तुम्हारा ट्रेड पेबल क्रेडिटर्स 72। ठीक है, और असेट में तुम्हारे पास ना मशीन था, कितना मशीन था? 1 लाख का। इसके अलावा यू हैव इन्वेंटरी एंड स्टॉक 3,20,000। उसके बाद में यू हैव ट्रेड रिसीवेबल 2,07,000। इस तरह से ये है तुम्हारा। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ना, टोटल चेक करो, ये सिंपल सा बैलेंस, वो इतना लंबा चौड़ा बैलेंस मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अब हमने क्या किया, सबसे पहले इस 10 लाख में से 5 लाख, अच्छा पहले तो वो क्या हुआ, 100 रुपए का वैल्यू था, उसको काटने कितना किया, 10 रुपए किया, तो उससे तो बैलेंस में फर्क पड़ा नहीं। अब ये बोला इसमें से 5 लाख शेयर सरेंडर हो गए, ये देखो ये 10 लाख में से 5 लाख इधर आ जाएगा बेटा, तो टैली होगा नहीं ना, तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। क्या नाम देंगे उसको? शेयर सरेंडर। ये मैंने फिलहाल के लिए 5 लाख का शेयर सरेंडर, अभी मेरा बैलेंस टैली है, देख लो। क्या ये तुमको समझ में आया? इसकी एंट्री का वही कैपिटल कम हो गया तो डेबिट कर लिया, उसके बाद क्या लिख दिया? शेयर सरेंडर। आगे बढ़ते हैं, अभी मजा आएगा। आउट ऑफ द शेयर सरेंडर 10,000 शेयर्स और ₹10 ईच शैल बी कन्वर्टेड इनटू 12% प्रेफरेंस शेयर्स और ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। क्या किया शेयर सरेंडर में से तुमने? क्या किया? नए प्रेफरेंस शेयर इशू किए। बट क्या तुमने नए इशू किए कि उसमें से कन्वर्ट किए? कन्वर्ट। तो अब इसकी एंट्री तुम्हारे हिसाब से क्या होनी चाहिए बताओ? शेयर सरेंडर कम करना पड़ेगा, तो शेयर सरेंडर जो क्रेडिट था कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट कर लेंगे बेटा। और उसके बदले क्या देना है तुमको? प्रेफरेंस शेयर्स। तुम लिखोगे क्या? लिखोगे 12% प्रेफरेंस शेयर हैप्पी।
कितने शेयर्स बेटा? 10,000 × 10 रुपए वाले कितने होते हैं? 1 लाख। तुम्हारे शेयर सरेंडर में से 1 लाख गायब हो गया। तो इसका इफेक्ट बैलेंस में दिखाओ तो ये 5 लाख के बदले नाउ दैट बिकम 4 लाख का बैलेंस। और यहाँ पे एक नया आइटम आ गया तुम्हारा, 12% प्रेफरेंशियल कैपिटल का इफेक्ट ये हो। तुमको समझ में आया? अभी अब आएगा मजा, आएगा मजा। क्यों मजा आएगा? कि गलती यहाँ पे ही होती है। द क्लेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर शेल बी रिड्यूस बाय 75%। डिबेंचर होल्डर है हमारा क्लेम 75% से कम हो जाएगा, और उसके बदले इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन डिबेंचर होल्डर शेल रिसीव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 20 लाख विच आर कन्वर्टेड आउट ऑफ द शेयर। उनको क्या मिलेगा? जो शेयर सरेंडर में से कन्वर्ट किए ना प्रेफरेंस शेयर, अभी वो उनको दे देंगे। तो पहले तो मुझे ये बताओ तुम्हारे डिबेंचर होल्डर का क्लेम कितना रुपए है? तुम्हारे डिबेंचर होल्डर का क्लेम कितना रुपए है? कितना है? कितना है? कितना है? कितना है? ये बात है, डिबेंचर होल्डर बोला है, डिबेंचर नहीं बोला। तो डिबेंचर होल्डर में जो भी वो पैसा मांग रहा है वो आएगा। लॉजिकली बताइए, क्या डिबेंचर होल्डर सिर्फ 2 लाख मांग रहा है कि 2,24,000 मांग रहा है? 2,24,000। ये 2,24,000 का क्लेम आपको कम करने का है 75%। तो ये डिबेंचर होल्डर क्लेम कम कर लेंगे तो जो 12% डिबेंचर थे वो डेबिट हो जाएंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा उसका, डेबिट हो जाएगा 75% से। बट टू में क्या लिखू? बोलो टू में क्या लिखू? प्रेफरेंस क्या लिख दू? चलो मैं दो तो लिख देता हूं, जो पता है वो तो लिख देते हैं अपन। नंबर 4 ठीक है, ये एंट्री बढ़िया वाली एंट्री है। 12% वेंचर इंटरेस्ट पेबल आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो भी बोलो डिबेंचर अकाउंट जो था, ये कितना था अमाउंट था इसका? 2 लाख। पर इसका 75% पे हो रहा है 1,50,000। ये था 24,000, इसका 75% हो रहा है तो 18,000। तू मैं क्या लिखूं वो बता। फिर से क्वेश्चन बोलता हूँ कि हमने शेयर सरेंडर में से प्रेफरेंस शेयर इशू किए और वो प्रेफरेंस शेयर अपन ने डिबेंचर होल्डर को दे दिए उनके क्लेम कम करने के कंसिडर। तो मैंने डेबिट क्लिक दिया, तू मैं क्या लिखूं? तो बढ़ जाएगा शेयर सरेंडर। प्रेफरेंस लिख दू? चलो कुछ लोग बोले प्रेफरेंस लिख दो, एक बार लिख देता हूं एक बार के लिए। 212% प्रेफरेंस कैपिटल, ये तुम बोल रहे हो ना? कितना लिखो? 1 लाख का? 1 लाख का लिखू ना? तो 1,60,000 लिख दू? हाँ, तो बाकी तुम बोल रहे हो कैपिटल डिडक्शन डाल दो बराबर ना। चलो बस यही मिस्टेक तुम एग्जाम में कर, इधर ही तुम थोड़ा सम खराब करते हो। अब थोड़ा मैं लॉजिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने 2 प्रेफरेंस कैपिटल लिखा, इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में आएगा कि नहीं आएगा? तो अब मेरा कैपिटल कितना हो गया? एक तो पहले तुमने बुक किया, एक और बुक किया, कितना हो गया? 2 लाख। लेने कितने लोग आएंगे रियल में? कितने लोग लेने आएंगे? वो डिबेंचर होल्डर ही आएंगे ना, उनको तो दिए वो वाले, तो 1 लाख ही ले सकते हैं। तुम 2 कैसे लिख रहे हो? क्या बोला आपको, समझ में आया? अरे आप ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की लायबिलिटी बुक कर चुके हो 1 लाख की, अब तुमने वापस बुक किया तो वापस तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो क्या रियल में 2 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले है कि 1 लाख ही होगा? ही होगा, कि वही तो उनको दिए जो कन्वर्ट किए थे वो। तो क्या मुझे वो लायबिलिटी बुक करने की, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ऑलरेडी कर चुका हूँ, अब मुझे वापस इसको बुक नहीं करना है, और इसको नहीं करूंगा तो फिर वो फायदा किधर जाएगा? कैपिटल डिडक्शन में। तो वापस मैं इधर कैपिटल डिडक्शन ही लिखे,
अब दो बार कैपिटलेशन, कैपिटलेशन अच्छी बात नहीं है, तो इन दोनों के बदले अपन क्या लिखेंगे साथ में कंबाइंड, क्या लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन, कितना लिखेंगे 1,68,000। ऐसा तो अगर तुमने टू प्रेफरेंशियल कैपिटल लिखा तो तुम्हारा अटेम्प्ट जाएगा पानी में, कैसे क्या तुमको समझ में आया कि नहीं आया, तो याद रखना दो बार आप लॉजिक लगाइए थोड़ा सा कि अगर मैं ऑलरेडी टू प्रेफरेंशियल कैपिटल लिख चुका हूँ, लिख चुकी हूँ, तो वापस क्यों लिखना है, दो बार थोड़ी कोई लेने आएगा, लेकिन तो वो लोग आएंगे 1 लाख आएंगे, दो बार कैसे आएंगे, अंडरस्टूड, बस वो ध्यान में रख। चलो अब ये यहाँ तक बराबर है, तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं नंबर फिफ्थ तक, ये तो क्लेम वाला तो हो गया। नाउ ट्रेड पेबल क्लेम शेल बी रिड्यूस टू 50%। चलो भाई ट्रेड पेबल बोलते हैं हम 50% अपना क्लेम कम कर लेंगे। नाउ इट इज टू बी सेटल्ड बाय द इश्यू, अच्छा बचे हुए सेटल मतलब बचे हुए, टू इश्यू द इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, बचे हुए को इक्विटी शेयर देंगे। तो बताओ 72 का था 50% माफ हुआ, कितना बच गया 50%, तो 72 का 50% 36 होता है, तो 36 के लिए अपन क्या इशू कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स, बट ये इक्विटी शेयर कहां से हो रहे हैं शेयर सरेंडर में से हो रहे हैं, तो पहले काम करता हूँ शेयर सरेंडर में से इक्विटी शेयर इशू कर लूँ। चलो तो पहले अपन शेयर सरेंडर में से इक्विटी शेयर इशू कर लेते हैं, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, जैसे पहले प्रेफरेंस शेयर कहते वैसे इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 72 के 36, 36 36 तो माफी हो रहा है, अभी क्या करना है जैसे पहले की था कि ये जो इक्विटी शेयर कन्वर्ट की है किसको देंगे ट्रेड पेबल को देंगे, यहां पे लिखेंगे ट्रेड पेबल अकाउंट है। अच्छा 36 माफ हो गया, 36 का ये हो गया ट्रेड पेबल, तो पूरी जा रहे पूरे हटा दो 72। अब क्या बदले में मैं टू वापस इक्विटी शेयर कैपिटल लिखूं, आप बोल रहे लास्ट टाइम प्रेफरेंस शेयर वैसे इक्विटी शेयर बोल दो, यहाँ पे बोल दो सर इक्विटी शेयर जितना लिख दो इक्विटी शेयर लिखू, क्या नहीं क्या लिखना पड़ेगा कैपिटल रिडक्शन, कोई टू कैपिटल रिडक्शन, 36 तो माफ हो गया, तो 36 तो माफ का एंट्री हो गया, और 36 तो बदले में इक्विटी शेयर दिया बट उसकी एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वापस इक्विटी शेयर लिखना क्या लिखूंगा उसके बदले कैपिटल रिडक्शन। अब दो बार मैं कैपिटलेशन कैपिटलेशन लिखूंगा तो अच्छी बात नहीं है, इससे अच्छा दोनों को कंबाइंड लिख देते हैं, कितना लिखूंगा 72। समझ में आया मैं क्या बोला, चलो तो अच्छा छोड़ो आपने, अगर मैं इसको डिटेल में करता हूँ, सबसे पहले मेरा ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 36 का बराबर ना जो माप हुआ वो लिखते हैं। चलो और बचे हुए 36 का अपने इक्विटी शेयर कन्वर्ट कर लिया वो भी लिख दिया, अब जो बचा हुआ ट्रेड पेबल आपका है आप उनको क्या दे रहे हो इक्विटी शेयर दे रहे हो, तो ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट 36 बट क्या टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिखूंगा मैं बदले में, वो तो ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है डबल हो जाएगा, क्या लिखना पड़ेगा अभी कैपिटल रिडक्शन। तो मुझे बताओ ये एंट्री दो बार अच्छी लग रही है क्या, क्या करने का अमाउंट डबल कर लो, क्या करेंगे इसको अमाउंट डबल कर लो, समझ में आया क्या हुआ, कोई चीज मोटा मोटी इससे हो गया रहा है तुम्हारा ट्रेड टेबल पूरा जा रहा है 72 का, और इक्विटी शेयर का आप ऑलरेडी एंट्री कर चुके हो तो वापस नहीं करेंगे, तो फायदे को बुक करने में कैपिटलेशन यूज कर लोगे, तो ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट कैपिटल बोलो, समझा पक्का, अब आगे बढ़िए। अब ये बोल रहा है कि जो बचा हुआ शेयर सरेंडर का बैलेंस था आप उसको कैंसिल कर दो, ये बोलता है द शेयर सरेंडर आर नॉट री इशूड शेल बी कैंसल, तो मुझे बताया शेयर सरेंडर का बैलेंस कैंसिल करना है, शेयर सरेंडर का बैलेंस कितना बचा होगा पहले वो बताओ, कितना आप सोचिए, पहले 5 लाख का बैलेंस था बराबर ना, पांच में से पहले आपने इक्विटी शेयर इशू किया और प्रेफरेंस शेयर किया, तो पहले प्रेफरेंस शेयर किया 1 लाख का,
और अभी इक्विटी शेयर 36 का, बताओ कितना यूटिलाइज हो गया, 1,36,000, तो 5 में से 1,36,000 गया, 3,64,000 बचा हुआ। अब बोला इसको कैंसिल कर दो, अभी कैंसिल या फायदा कहाँ पे बुक करेंगे, कैपिटल रिडक्शन में, ये फायदा लास्ट में टू कैपिटल रिडक्शन के तौर से। अभी वो जो मेन काम है लॉसेस को राइट ऑफ करना होता है, तो लॉसेस को राइट ऑफ कर लो, तो एनपी क्या होती है, कैपिटल रिडक्शन। प्रॉफिट एंड लॉस ओके, कितना 6,00,000 बस। अब जो बैलेंस बचेगा उसको अपन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लेंगे। देखो कितना बैलेंस बचा, आप कैसे उठाओ, तो सबसे पहले कैपिटल रिडक्शन कहाँ पे आया, इधर आया 1,68,000, फिर आया 72,000, तो 1,68,000 प्लस 72,000 प्लस 3,64,000, उसके सामने 6,00,000 चला गया, माइनस करो 6,00,000, 4,000 इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। कैपिटल 1,000,000 बोलो समझ में आया तुमको का, बस सोचना, बस वही एंट्री अपने को देखनी है, ये दो है, दो एंट्री मेन है, कौन कौन सी, ट्रेड पेबल वाली, नीचे की तीन एंट्री तो बड़ी इजी, वो तो हमेशा करते आए हो, देखो चार की दो एंट्री तो बढ़िया है, कोई तो दिक्कत है ही नहीं उसमें, ठीक है। अब ये एंट्री नंबर 3, 4, 5 और 6 चार एंट्री समझिए, 7, 8, 9 तो क्या है, कुछ है ही नहीं, तो पहले भी क्यों, बस ये चार एंट्री पे फोकस करना, क्या ये समझ में आया, चलो कॉपी करो फटाफट।
मतलब हुआ बताओ, यहाँ तक किसी डाउट है तो आप बोल सकते। ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। बोलिए भाई, ये था शेयर सरेंडर वन, ये था तुम्हारा, इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट था तो शेयर सरेंडर का यूज करना था, बाकी सब में तो आपको पता ही क्या करना बात। एक दो क्वेश्चन में एक्स्ट्रा करा रहा हूँ वो देख लो, होमवर्क वाले तो वन हो गया, टू हो गया, बराबर ना, थ्री बाकी है ना। चलो थ्री तुम करो, अभी करो थ्री वाला, अभी आप करोगे क्या? सही था, कोई बात नहीं, वन तुम अभी करो, करो करो करो। पहले क्वेश्चन नंबर वन करें आप, ठीक है।
बाकी तो करते देखो जरा। क्या है देखो जरा, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अप्रूव्ड। द शेयर होल्डर टू रिसीव व्यू ऑफ देयर प्रेजेंट होल्डिंग एट 1 लाख शेयर एट ₹10 ईच। तो तुम्हारा ऑलरेडी 1 लाख शेयर इशू किया हुआ है ₹10 वाला, तो तुम्हारा इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलरेडी कितना है 10 लाख, वो हट जाएगा। उसके बदले ये दे रहे हैं अपन, क्या दे रहे हैं वो देखो। अब बताओ आप लोगों ने क्या एंट्री पास की, किन लोगों ने किया है ये ऑलरेडी बोलो, क्या एंट्री पास की। वेट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ना 10। अब इसके बदले में क्या हो रहा है, बस न्यू फुल्ली पेड अप शेयर, नए शेयर में बेटा। तो सीधी बात है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, ठीक अच्छा कितना, 3/4 3/5 ऑफ दियर होल्डिंग। तो 10 लेकर 3/5 कितना होता है, ये आ गया। और क्या है बदले में, 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर फुल्ली पेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द अबो न्यू इक्विटी शेयर। अबो मतलब 6 लाख का मतलब, क्या होता है 1,20,000। फिर क्या है, 40,000 के 8% डिबेंचर्स अमाउंट दे रखा है, 2 8% डिबेंचर्स। और बस तो बस बचा हुआ जो हो गया वो तुम्हारा फायदा हो गया, टू कैपिटल रिडक्शन। क्या था इसके अंदर, यहाँ तक किसी को भी कुछ भी डाउट है तो बोल सकते हो। ये पहला हो गया, दूसरा हाँ, एन इश्यू ऑफ 1,10,000 फर्स्ट डिबेंचर वॉज मेड एन अलॉटमेंट अलॉटेड पेमेंट फॉर द सेम बीइंग रिसीव इन कैश। तो आपने क्या इश्यू किया है, डिबेंचर, कैन डू द डिबेंचर इश्यू बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% फर्स्ट डिबेंचर। गुडविल 1,40,000 का उसको राइट ऑफ कर लिया, कैपिटलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल 1,40,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख का राइट डाउन करना है, ठीक है 2 लाख का था उसको राइट डाउन करके कहाँ तक लेकर आना है, 1.5 लाख तक। कम कितना हुआ 50, तो एंडिंग होगी कैपिटलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी कितना 50,000। भाई तुम्हारी बुक्स में 2 लाख पे दिख रहा है, तुम तो उसको राइट डाउन करके कहाँ तक, टू यानी वही अप टू कहाँ तक करना है, 1.5 लाख तक। कम कितना हुआ 50, 20 विल बी कैपिटल डिस्काउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी 1.5 लाख की थी जिसको राइट डाउन बाय 50,000, तो कैपिटल डिस्काउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी सॉरी फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी कितना 50,000 खत्म। लॉस तो है नहीं, तो वहां से तो करना नहीं है, नहीं था क्या ये समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 ऑलरेडी हो चुका है बराबर ना, 3 वाला यही बाकी है, बाकी है करो फिर ट्राई करो थर्ड वाला।
जलेबी।
लेंस में कितना आ रहा है, नहीं हो रहा। देखो सबसे पहले आपका इक्विटी शेयर जो है उसका वैल्यू रिड्यूस करना है ₹40 तक, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन आ जाएगा। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का वैल्यू रिड्यूस करना है 60 तक, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 60 वाला और टू कैपिटल रिडक्शन आ जाएगा ₹40 के हिसाब से पर शेयर के हिसाब से। फिर रेट ऑफ डिबेंचर इंक्रीज करना, और डिबेंचर होल्डर को आपको नए डिबेंचर इशू करने हैं, पुराने डिबेंचर 12% डिबेंचर, सॉरी पहले जो पुराने डिबेंचर थे तुम्हारे 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एंड टू कैपिटल रिडक्शन जो है तुम्हारा। फिर क्रेडिटर अकाउंट को सेटल करना है अपने को, क्योंकि 20 लाख मांग रहा था, तो क्या होगा क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन और टू बचे हुए जो इक्विटी शेयर इशू करे तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। या कितना आंसर कितना आया है, चलो कैसे आ रहा है। चलो चेक कर लो आप लोग, आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये वाला है मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का ₹50,000। ठीक है, आप ऐसे मर्ज भी कर सकते हो, लास्ट वाली एंट्री जहाँ पे आपको पता है उन सब में वैल्यू कम हो रहा है वहाँ पे आप मर्ज भी कर सकते हो। ठीक है, चेक कर लो, पहली एंट्री थी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटलेशन 10,40,060। दूसरी एंट्री थी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 30 और कैपिटलेशन 20। डिबेंचर अकाउंट 10% 12% और कैपिटलेशन बराबर है। फिर ट्रेड पेबल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, और प्रोविजन फॉर टैक्स था तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट कैपिटलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक यानी वही करंट असेट बराबर है। लास्ट में कैपिटलेशन टू पीएनएल और प्रॉपर्टी का वैल्यू कम किया, तो अगर आपने सेपरेट एंट्री पास की है तो कैपिटलेशन अकाउंट डेबिट टू पीपी करंट असेट का वैल्यू कम किया, इन्वेस्टमेंट का भी वैल्यू कम किया, चेक कर लो एक बार कहाँ पे मिस्टेक। टैक्स वाला देखो क्या बोला, टैक्स का इसमें टैक्स की लायबिलिटी को सेटल करना है बराबर ना, तो उसके लिए ऑलरेडी प्रोविजन बनाया हुआ है तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1 लाख से। पेमेंट 1.5 लाख होगा टू बैंक में, 50 का नुकसान हो गया अब आएगा। तो कैसे चलेगा बेटा, प्रोविजन कटाना पड़ेगा ना। तो बोला ना इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे लेके आने का है, मतलब इन्वेस्टमेंट तुम्हारा है 10 लाख का, मार्केट वैल्यू 9.5 लाख का, कम करना है ना 50 से। चलो कैलकुलेशन टू इन्वेस्टमेंट 50,000 डिबेंचर वाला, हमारा डिबेंचर जो है दैट इज योर 10% वाला 40 लाख का, इज दैट रेट 12% करना है। साथ में ये क्या बोलते हैं कि जो डिबेंचर ₹100 का था उसका वैल्यू कम रहेगा कितना कर लिया 70। ठीक है, तो पहले ये बताओ डिबेंचर पुराना हट जाएगा, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से 40 लाख से पूरा। टू नया डिबेंचर कितने का है 12%, बट उसका वैल्यू कितना आ रहा है 70। पहले कितने डिबेंचर तुम्हारे पास में थे 40,000 डिबेंचर, तो 40,000 इंटू 70 रुपीज 28 लाख। टू नए डिबेंचर 12% वाले कितने हो गए 28, तो फायदा कितना हो गया 30 रुपीज पर डिबेंचर्स, 40,000 डिबेंचर्स का फायदा हो गया 12 लाख। आया समझ में, और किसी में डाउट पीपी ये रहा, पीपी को राइट डाउन बाय 30% करना। तो यू हैव पीपी में कितना आया देखो, तुम्हारा पीपी में क्या है 1 करोड़ 25 लाख, कितना परसेंट बोला 30%, तो कितना होता है
इसने तो मिक्स की है ना, वो साथ में डायरेक्ट कैलकुलेशन टूल चलाती है, एक साथ में कर ली ना, कंबाइंड कर लिए। आप भी कर सकते हो, और अलग करना तो अलग करो, वो फाइनल आंसर देख। देखो ये अलग सी है, कैलकुलेशन बोलो, जब किसी और को तो कुछ डाउट है तो आप बोल सकते हो। सबको समझ में आया ये वाला? ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन एक और हो गया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं तुमको छोड़ दूंगा, ठीक है? क्या बनना क्वेश्चन करेंगे तो मैं तुम करे। अपन नवंबर 23 का एक क्वेश्चन आया था, वो अपन कर रहे हैं। नवंबर 23 के इंटर एडवांस अकाउंट पहले चैप्टर, ये वाला इंटर क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन। क्या है? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सुरमा लिमिटेड, क्या दे रखा है ये देखो। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, बैंक ओडी, अदर लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, टोटल असेट मैपिंग, इनटेंजिबल असेट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेडिसेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नोट्स में 60,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए वाले, 8,006% प्रेफरेंस शेयर्स, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट, 10% डिबेंचर्स, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट एंड इन्वेस्टमेंट। वैसे तो हमने पहले भी देखा है बैलेंस शीट के। अब ये रिकंस्ट्रक्शन का ये हुआ, फर्स्ट ईच इक्विटी शेयर इज टू बी सब डिवाइडेड इंटू 10 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, और बाद में इसको सब डिविजन के बाद में क्या बोलता है, ईच शेयर होल्डर शैल सरेंडर टू द कंपनी 40% ऑफ द होल्डिंग फॉर द पर्पज ऑफ री इश्यू टू ट्रेड पेपर्स। शेयर सरेंडर भी है, नॉर्मल दोनों मिक्स किया है, नॉर्मल क्वेश्चन और शेयर सरेंडर को दोनों दो क्वेश्चन को मिक्स कर लिया। तो अपन एंट्रीज कर रहे हैं, पहले एंट्री सब डिवाइड करनी है, तो सब डिवाइड की एंट्री तुमको पता है, पुराना इक्विटी शेयर हट जाएगा, इक्विटी शेयर पे अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पुराना जो वैल्यू था वो था 100 रुपये, अभी तुमने कर लिया है 10, बट शेयर भी वही 10 के 10 हो गए। ओवरऑल वैल्यू रिमेन सेम, तो पहले जो कैपिटल था 16, अभी भी वो 16 ही रहेगा, रुपीज इन ले बोलो, समझ में आया ये वाला?
नंबर टू, अब इसको सरेंडर करना है, इक्विटी कैपिटल लिखा हूँ, अमाउंट पूरा नहीं सुना, टू शेयर सरेंडर, कितना सरेंडर किया इन लोगों ने, 40%, 16 का 40% कितना होता है, 10 की मर्ज एंट्री भी हो सकती है, कैसे कि आप देखिए इक्विटी से कैपिटल 10 वाला जो है ठीक है वो क्रेडिट है और वो का वो वापस डेबिट भी हुआ है, तो आप इसकी मर्ज एंट्री भी कर सकते हो, लाइक इक्विटी से कैपिटल अकाउंट डेबिट 16 लाख का, टू शेयर सरेंडर 6.4 का, और बचा हुआ जो नेट करोगे इस डेबिट क्रेडिट में से तो टू जो बचा हुआ इक्विटी से कैपिटल 10 रुपये वाला होगा, तो आप माइनस करो कितना आता है 16 में से, ऐसे का आंसर मैं आपको मैं इमर्ज एंट्री दे रखा ठीक है, अगर आप ये एंट्री देखते हो तो यू गेट दिस, कंफ्यूज नहीं होने का, मैंने आपको सिस्टम में बताया ये हुआ फिर ये हुआ, इन लोगों ने डायरेक्ट वो मर्ज कर लिया, आप दो बार प्रैक्टिस करोगे सम की आप भी मर्ज कर सकते, तभी के लिए समझाना के हिसाब से मैं ऐसे कर रहा हूँ, दोनों एंट्री मर्ज एंट्री समझे, तो पॉइंट नंबर वन डन, how you have share surrender account wo baad mein use kar, preferential holder would give a 30% of their capital and 12% debenture shall be issued to them for balance holding, to chalo bhai preferential capital tumhara ja raha hai aur balance ko apan debenture de rahe hai, to iska matlab mota moti tumhara pura preferential capital ja raha hai usko hata denge, to tumhara preferential capital jo hai wo ye raha 6% preferential capital 6% preferential capital कितना है 8 का, 2 कितना फायदा हो रहा था तुमको 30% उसने बोला ना, वो फायदा कहां पाएगा कैपिटल रिडक्शन में, 30% मतलब कितना हो गया 2. बचे हुए के लिए वो अब डिबेंचर इश्यू कर रहे हो इनको, तो बचे हुए के लिए आप 12% डिबेंचर कर रहे हो, तो 2 12% डिबेंचर तो कितना होता बचा हुआ, तो 8 × 70 = 5.6, बोलो समझ में आया ये वाला, आगे बढ़ते हैं, तो पॉइंट नंबर 1, 2 and 2 हो गया, सॉरी थर्ड वाला देखते हैं, द कंपनी वुड इश्यू एडिशनल 12% डिबेंचर फॉर 4 lakh फॉर द मीटिंग इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे नए डिबेंचर इश्यू कर रही है बेटा, तो नए डिबेंचर इश्यू करने की क्या एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, नॉर्मल एंट्री डिबेंचर इश्यू, 2 14% डिबेंचर नॉर्मल एंट्री, बैंक डिबेंचर इश्यू करने की बैंक में पैसा है डिबेंचर 12% ना 12% फोर लैख फोर लैख ये नॉर्मल डिबेंचर इश्यू, आफ्टर दैट अच्छा ये क्या बोलते हैं जो पैसा आएगा उससे एक तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगा, मतलब जो डे टू डे का एक्सपेंस उसमें काम आ जाएगा, इसके अलावा इसको फाइनल सेटलमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट भी करना है, बैंक ओडी को भी पे करेगा, बट वो पेमेंट 90% में सेटल करेगा, सेटल मतलब खत्म, तो मुझे बताओ कितना था बैंक ओडी बेटा, इधर चेक करते हैं बैंक ओडी, बैंक ओडी ये रहा बैंक ओडी 1.4, ये हट जाएगा तो बैंक ओडी अकाउंट डेबिट बट हमको फायदा भी हो रहा है तो 2 capital reduction 10% ना ठीक है, अब देखो क्या है टोटल 1.4 का था, अब इसका 10% तो 1.40 का 10% कितना होता है करो 0.14 और अब बचा हुआ तो हम पेमेंट कर लोगे बैंक अकाउंट तो कितना होता है बचा हुआ 1. बोलो समझ में आया ये वाला नॉर्मल बैंक ओडी, तो
ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसने सात क्वेश्चन दो दो पॉइंट उठा लिए और क्वेश्चन बना दिया ऐसा। एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर वुड एक्सेप्ट फर्नीचर एंड फिक्चर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। तो मेरे एग्जिस्टिंग डिबेंचर कौन से थे? ये वाले 10%। इन लोगों ने क्या बोला कि हमको सेटलमेंट कर दो, क्या कर लो? अच्छा ऐसे डिबेंचर बोल के डिबेंचर होल्डर बोल, तो तुमको पता है तुमको एक गलती नहीं करनी है। जब भी डिबेंचर होल्डर बोलोगे तो उसका इंटरेस्ट भी आएगा ना, वो बोलना नहीं। ये सेटलमेंट करा तो हट रहा है ये 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ना जाते 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 3.26। उसके अलावा इंटरेस्ट भी आएगा, क्या आएगा? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर्स। कितना है? 0.32। ठीक है, टू बदले में क्या दे रहे हैं तुम लोग बताओ? ठीक है, इसके बदले में क्या बोला था इसने? डिबेंचर होल्डर वुड एक्सेप्ट फर्नीचर एंड फिक्चर्स। अब फर्नीचर एंड फिक्चर इधर है, ये रहा 2.80 का, ये चला गया। बचा हुआ तुम्हारा फायदा हो गया टू कैपिटल रिडक्शन, तो कितना फायदा हो गया 7.2। क्या ये तुमको समझता है? कोई डाउट है तो आप बोल सकते। ये वाला भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ट्रेड पेबल क्लेम शैल बी रिड्यूस टू 70% एंड, पहले पूरा पढ़ लेते हैं, it is to be settled by the issue of equity shares or rupees 10 each out of the shares। ye bhi ko point pada hua hai last time, matlab 50% trade payable claim reduce aur 50% ko apne equity share 36,000 ke, kya ye point exact waisa hi hai ki nahi hai? same waise karna hai। mujhe batao kya trade payable kuch hat rahe, pure hat rahe? pure ek baar ke liye pura trade payable hata deta hu। okay, aur unme se jo 70% to hat rahe, jo 30% bache hai unko main shares de raha hu। मैं क्या कहता हूँ, शेयर सरेंडर में से 30% के शेयर अपन सरेंडर वो इशू करेंगे। ठीक है, इसमें से आप मुझे बताइए कितना ट्रेड पेबल था तुम्हारा। चेक करो भैया, ट्रेड पेबल ये रेटेबल 1.15। तो देखो मुझे शेयर सरेंडर में से कितना इशू करना है पहले वो बताओ। तो शेयर सरेंडर कम हो जाएगा, तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, ध्यान से सुनना, कितना 70% कम ही हो रहा है, 30% के लिए इशू करना है, तो 1.15 × 30% करो कितना होता है 2.345। टू क्या इश्यू कर रहा हूँ? इक्विटी शेयर ना, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अब वो ट्रेड पेबल को हटा देते हैं, तो ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट किया हुआ, तो वापस डबल करना कोई कौन सा बोलो, समझ में आया ये वाला? के बाद में क्या है आगे देखो, ये वाला पॉइंट खत्म हो गया। The share surrender and not reissue shall be cancelled। तो एक ही प्रपोज था, वो काम हो गया। अब जो बचा हुआ शेयर सरेंडर उनको कैंसिल कर देते हैं, तो उसके बाद में ये एंट्री भी कैंसिल करने की एंट्री बेटा, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट। अब देखो शेयर सरेंडर में कितना था वो देखो, तो अपन ने पहले 6.4 लिया था, कितना लिया? उसमें से अभी आपने शेयर सरेंडर में से 0.345 ये कर लिया, करो माइनस 0.05 अपन ने कैंसिल कर लिया, उसको कैपिटलाइजेशन में डाल दिया।
अच्छा कुछ लोग इसकी मिक्स एंट्री भी कर लेते हैं, कैसे कि वो शेयर सरेंडर पूरा डेबिट कर लिया, उसमें से टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना हो गया और बचा वो कैपिटल शेयर में डाल, ऐसे भी कर लेते हैं, तो वो भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अब वो पूरा स्टेप वाइज समझा रहा हूँ। तो टैक्सेशन लाइबिलिटीज टू बी सेटल 50,000, आपको चेक करना पड़ेगा क्या इसका कोई प्रोविजन था कि नहीं था, प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स की लाइबिलिटी का प्रोविजन होता है ना, क्या प्रोविजन था कि नहीं था टैक्स के लिए। तो अगर हम चेक करते हैं तो यू विल गेट दिस प्रोविजन फॉर टैक्स 42,000। तो मुझे बताइए अब इसको सेटल करना है, तो पहले तो प्रोविजन रहेगा, तो प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट कितना था, प्रोविजन फॉर टैक्स 0.42। जो नुकसान हो गया वो कहां पाएगा, कैपिटल रिडक्शन में 0.8 बराबर ना, 0.8 की 0.08, 0.08। हाँ, ये जो ऐसी गलतियां होती छोटी ऐसे लिख रहे हो, आपने 0.8 लिखा तो 80,000 हो गया, 80,000 नहीं 8,000 आएगा, 50,000 पे कर रहे हो, 42,000 का प्रोविजन था, होता है 8,000 ना, फिर आपने 0.8 लिख दिया खत्म, मैंने पानी टू बैंक। अब देख लो अब 0.5 हो रहा है, आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो ये तो प्रैक्टिस, ठीक है डन। नाउ इन्वेस्टमेंट वैल्यू टू बी रिड्यूस्ड टू मार्केट प्राइस, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम मुझे कहां पर करना है, मार्केट प्राइस पे, तो हमको इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा, ये रहा 1.8 से 1.1, तो डायरेक्ट भी एंट्री पास कर सकते हो, मर्ज करने मर्ज भी कर सकते हो, मैं पहले ही सीधा कर लेता हूँ, कैपिटल रिडक्शन टू इन्वेस्टमेंट। हमको पता है इन्वेस्टमेंट का जो हमारा वैल्यू था 1.8 था, 1.70 ना 70,000 रुपये से, उसके बाद में क्या है पहले सब पी एन अकाउंट राइट ऑफ कर लो, तो हम करते ही है, पर तुम नहीं भी बोलोगे तो भी कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं, कैपिटल रिडक्शन टू पी एन एल। अब मैं नीचे दो पॉइंट और क्या उसकी भी इसमें मर्ज कर लूँ चलेगा, क्या अलग से ही करो, मर्ज कर लेते यार, बस अलग से करेंगे थोड़ा, अभी तो तुम एक्सपर्ट हो गए, उस चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है 9.10 का, ठीक है 9.10 का ये हो गया। अच्छा और क्या कम कर रहा है ये देख लो, लास्ट पॉइंट में आप देख लीजिए, द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी टू बी इंक्रीज बाय 32, तो वो इंक्रीज इसमें सेट नहीं हो सकता, इसमें डिक्रीज वाला होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाने का है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि उससे डेटस क्या होता है कब, इसके अपन एक काम करते हैं डेटस भी बना लेते हैं, टू ट्रेड रिसीव डेटस कब 5% डेटस 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 ये रहे 4.32, 4.32 का 5% 0.216। चलो अब दोनों को ऐड कर लो जरा, 9.16 बराबर है। चलो अब लास्ट में एक वो जो इसने बोला था कोई इंक्रीज हो रहा था, उसको अपन ने इसमें नहीं लिया था, अलग से ले लेते हैं कि इन्वेंट्री का वैल्यू इंक्रीज करना है बराबर ना, हाँ 32,000 से वो दे ही रखा है, तो चेक क्या करना, इन्वेंट्री डेबिट होता है, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 32,000 है, 0.32 लिख दू, सारा सब अपन लेक्स में लिखा है, कितना लिखा है इसके अंदर। चल अभी अपने को लास्ट बैलेंस निकालना है, ठीक है बैलेंस निकालना सिखाया था आपको, कैलसी लो उठा, और मैं जब कैलकुलेशन लूंगा तो शुरू कहाँ से करते हैं पहले वो देख लो, जैसे पहले में है नहीं, दूसरे में है नहीं, तीसरे में है बेटा, क्रेडिट से शुरू कर रहे हैं, अब जब भी क्रेडिट हो तो प्लस करना, डेबिट हो तो माइनस करना, तो पहले कैलसीबी लिखो 2.4 का, अब यहाँ पे तो है नहीं, इधर है तो ये और प्लस कर लो 0.14, अब इधर और है 0.72 ये भी प्लस कर लो, में है नहीं इसमें और है 0.15 ऐड करना, में तो है नहीं इसमें है, इसमें माइनस करो 0.08, हाँ ये और रह गया, ये भी कर लो 0.055 और ऐड होगा, और
माइनस करना, क्या उसके बाद में यहाँ पे और माइनस करना 0.7 और माइनस करो 9.316। अब यहाँ पे ऐड करो 0.32 आया बचा ना, रे गड़बड़ वही अलग आ रहा है तो टोटल में गड़बड़ की है तुम लोगों ने। किसी का दूसरा आया आंसर नहीं आया, एक बार वापस मार लेते हैं फिर अपन क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, एक बार टोटल वापस मार लेते हैं। सबसे पहले तुम्हारा कैपिटल एलोकेशन की शुरुआत यहाँ से हो रही है, वापस 2.40 लिखा, अरे ये मैंने पूरा लिख दिया अल्लाह तो इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट क्या गया 2.4 आ गया। उसके बाद में यहाँ पे प्लस करो 0.14, अब प्लस करो 0.72 ठीक है, इसके बाद इधर तो आएगा नहीं, फिर इधर आएगा 1.15 प्लस करना ठीक है, अब प्लस करना 6.055, अब माइनस करना 0.08, अब माइनस करना 0.70 क्या, अब माइनस करना 9.316 ठीक है, अब प्लस करना 0.32 कितना आया 6। हाँ तो रुको फिर कुछ गड़बड़ और चेक, अब ये भी चेक कर लेते हैं। पहली एंट्री में देखो इसमें कैपिटलेशन आया नहीं, इसमें आया कैपिटलेशन 2.40 बराबर ना, अपना भी चेक कर लेते हैं, पहला 2.40 ही है बराबर है, फिर इसका कैपिटलेशन इधर आया नहीं, इधर आया 0.14 अपना भी 0.14 है बराबर है, तीसरा इसमें इधर तो कोई आया नहीं, इधर आया था 0.72 ये भी आया अपना भी 0.72 आया, इसके बाद में तो इधर नहीं है, इधर आया ये वाला क्या है शेयर सरेंडर का बैलेंस, हाँ इधर ये 1.15 ये भी लिखा है ना, ये रहा 1.15 के लिए शेयर सरेंडर का बैलेंस तुमने लोचा मारा है, शेयर सरेंडर का ये आ रहा है, एक मिनट शेयर सरेंडर वापस देख लेते हैं, शेयर सरेंडर 6.4 था बराबर है, फिर शेयर सरेंडर अपन इक्विटी शेयर इशू कर अपन कितना, इक्विटी शेयर 1.4 अपन 30 अमाउंट बोलता शेयर सरेंडर, शेयर सरेंडर, शेयर सरेंडर ये रहा, ये बोला ट्रेड पेबल का क्लेम शैल बी रिड्यूस टू 70%, 70% से क्लेम रिड्यूस होता, नाउ इट इज टू बी सेटल्ड बाय द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर रुपीस 10 ईच आउट ऑफ द शेयर सरेंडर, तुम्हारा ट्रेड पेबल कितना था, मैं अमाउंट तो गलत नहीं लिख रहा, ये रहा 1.15 बराबर ना, क्या हुआ नहीं नहीं क्रेडिट करेंगे ना, क्या बोला देखो ट्रेड पेबल क्लेम शैल बी रिड्यूस टू 70% बराबर है, बाद में बोला इट इज टू बी सेटल्ड बाय द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच आउट ऑफ द शेयर्स, तो तुम्हारा वो तो पूरा चला गया ट्रेड पेबल तो पूरा गया,
अब यहाँ पे क्या होता है, कितना तुम्हारा ये था कितना, वन पॉइंट वन फाइव का बेटा 30% कितना होता है कर दो और 70%, सेवेंटी परसेंट ना, तो वापस पढ़ लेते हैं। ट्रेड पेबल क्लेम शेल बी रिड्यूस, हाँ, बराबर रिडक्शन नहीं हुआ है, उनका क्लेम रिड्यूस टू कहाँ पे किया है 70%, तो समझे, तो फायदा कितना हुआ 30% का। हाँ तो मतलब अब ट्रेड पेबल जो है उनका क्लेम कितना हो गया 70% हो गया, अपन 30% समझ लेते हैं अपन, यहाँ पे कितना हो गया 70%, बराबर ट्रेड पेबल क्लेम शेल बी रिड्यूस टू 70%। तो मान लो 100 रुपये मांग रहे, तो आप वो 100 नहीं मांगे, कितना मांगे 70 मांगे, तो इक्विटी शेयर कितने का इशू होगा 70, यानी बाय वो। चलो तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने को शेयर सरेंडर में सीधा 70% लेना, कितना लेना है 70%, करो जरा 70% कितना होता है 0.805, ये होगा 0.80, बराबर है। अब जो बैलेंस बचेगा यहाँ से 0.805, 5.595, ठीक है। अब चेक करते हैं जरा एक बार, चलो वापस करते हैं। तो पहला कैपिटलाइजेशन है इधर 2.4, ठीक है 2.4, ठीक है। उसके बाद में इधर तो है नहीं, इधर है 0.14, उसके बाद में है 0.72, उसके बाद में इधर है 1.15, मतलब है प्लस 5.595, माइनस करो 0.08, माइनस करो 0.70, माइनस करो 9.316, और प्लस करो 0.32, जो 0.22, 0.22, ये जो बैलेंस है ये कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल ऑन डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 0.22, वो ऑलरेडी अपन ने किया हुआ है, सब डिवाइड किया और शेयर सरेंडर किया, जैसा वो शेयर सरेंडर वाला समझा ना, देख तो पॉइंट नहीं हो तो समझ में आ जाएगा, तो देख लो ये वाले पॉइंट देख लो क्या है, ईच इक्विटी शेयर टू बी सब डिवाइडेड इनटू 10 फुल्ली पेड अप शेयर्स आफ्टर सब डिवीजन 40% ऑफ देयर होल्डिंग सरेंडर, ये तो अपन ने ऑलरेडी शेयर सरेंडर वाले में कहता सेम सेम पॉइंट है, कोई बोलो क्या ये तुमको समझ में आया, तो आराम से इसको कॉपी कर लो और रेफरेंस के लिए वो लिख देना नंबर जो भी है कि अपना कैसे का पेपर का है, ठीक है। इनका प्रिंट दे देना सबको, क्वेश्चन का प्रिंट मांग देना बस, बाद में अभी के लिए आंसर कॉपी कर लो, ठीक है। बस तो मिक्स वाला भी कर लिया, तो बस इसके साथ में ये चैप्टर क्या होता है खत्म, बोलो भारत माता की। बस लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट है, कॉपी करो तब तक तुम्हारा टाइम हो जाएगा।